गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुपर सिटी एजुकेशन हब में मैं सचिन यादव फिर आपके साथ वोकैबुलरी सेशन के नवे सेशन में आज आपके सामने हूँ। वोकैबुलरी सेशन के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं, पुराने बच्चे जो है नए जो बिगिनर्स हैं आज पहले दिन ज्वाइन किए हैं उन्हें मैं फिर बता दूँ, ये सेशन हमारे द हिंदू वर्ड्स का होता है जहाँ से 15 वर्ड्स हम पर सेशन में देते हैं, 8 वर्ड्स, 4 वन वर्ड्स और 3 idiom phrases, ठीक है। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप पूरी वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए। एक चीज़ और आप लोगों के लिए, मैंने जो बताया कि PDF हर वीडियो का उसके नीचे लिंक पड़ी होती है, वहाँ जाकर के आप तुरंत डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। इन फ्यूचर जब भी आपको देखना हो पढ़ना तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वीडियो आपके पास चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं, हम आगे चलते हैं। पहला वर्ड जो हमारे सामने आप देख रहे होंगे विटुपरेट, प्रोनाउंसिएशन आप लिखा हुआ है सामने देख लीजिए। विटुपरेट मतलब मीनिंग आगे लिखे कि ब्लेम और इंसल्ट समवन, किसी को ब्लेमिश करना, आरोपित करना और या फिर उसकी निंदा करना, इंसल्ट करना, बेइज्जती करना इन स्ट्रॉन्ग और वायलेंट लैंग्वेज, काफ़ी ही तीक्ष्ण शब्द, मतलब बहुत ही बुरा अपमान करना, तिरस्कार किसी कर देना, तो वो क्या कहलाता है विटुपरेट, ठीक है। रिवाइल किसी की निंदा करना, रेल अगेंस्ट किसी के खिलाफ बोलना, इनवे अगेंस्ट आक्रामक रूप में गलत तरीके से बोलना, जैसे फल्मिनेट अगेंस्ट किसी पर एकदम भड़क जाना, और अटैक जानते हैं आप लोग, अपब्रेट झिड़की देना और बिरेट डांटना या झिड़की देना, ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स आप सामने देख रहे हैं। अक्लेम मतलब प्रशंसा करना, कमेंट मतलब प्रशंसा करना, कम्प्लीमेंट मतलब किसी को उसकी बहादुरी के लिए कम्प्लीमेंट करना, ठीक है। हेल मतलब किसी का स्वागत करना, और लॉर्ड अपलॉड से बना हुआ, इसी से अपलॉड बना हुआ, मतलब किसी की प्रशंसा करना, प्रशंसा में कुछ शब्द कहना। एक्सटॉल वगैरह का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, एक्सटॉल EXTOL, ठीक है। यूजेस देख रहे हैं आप अपने सामने। एवरी वीक द मिनिस्टर वुड विटुपरेट द पैरिशनर्स, जो पैरिशनर्स मतलब होते ग्रामवासी, जो मिनिस्टर था मतलब या फिर जो शासक था वहाँ का, जो राजा था, वो हर सप्ताह क्या करेगा, पैरिशनर्स वगैरह जो ग्रामवासी हैं उनको डांटेगा, फटकारेगा, उनका तिरस्कार करेगा, अपमान करेगा, ठीक है। तो विटुपरेट हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है आपका कन्वर्स। कन्वर्स मतलब टू मीट और कम टुगेदर, एक साथ आना, कहीं मिलना, टू फॉर्म अ क्राउड और ग्रुप, एक समूह बनाने के लिए, एक झुंड बनाने के लिए, ठीक है। हिंदी दिख रही है आप लोगों को, मिलना या फिर एक बिंदु पर मिलना। सिनोनिम्स हमारे सामने मीट मिलना, कमिंगल, मिंगल मतलब आप लोग जानते हैं मिश्रण कोई होता है, मिश्रित रहना, तो कॉम और कॉन कहीं पर लगा हुआ है तो इसके मतलब साथ साथ, कहीं साथ साथ आकर मिल जाना, कॉमिंगल, कॉन्जॉइन, ठीक है, साथ आकर मिल जाना, इंटरमिंगल, एक साथ एक दूसरे के साथ मिल जाना, तो इन सब का मतलब क्या हुआ, एक बिंदु पर कहीं पर आके ये लोग मिल जाएं तो ये वर्ड्स उसके सिनोनिम कहलाएंगे, ठीक है। ब्रेकअप मतलब किसी रिश्ते वगैरह टूट जाना, अलग हो जाना, डिसबैंड, किसी बैंड में आप लोग चल रहे थे एक बंधन के अंदर अंतर्गत और फिर अब उससे अलग हो, डिसबैंड हो चुके आप लोग, अलग हो चुके। डिस्पर्स बिखर जाना, आप लोग गैदरिंग ही थी अब डिस्पर्स हो गए आप लोग, मतलब क्या हुआ उसका, मतलब बिखर गए। और स्प्लिट अप मतलब टुकड़े टुकड़े अलग अलग हो चुके, ठीक है। यूजेस आपके सामने पुलिस कार्स कन्वर्स्ड ऑन द एक्सीडेंट सीन, जो पुलिस कार्स थी, ये सब्जेक्ट था आपका वाक्य का, पूरा प्रेडिकेट सेक्शन हो गया। जो पुलिस कार्स थे, पुलिस की कार वगैरह थी सारी, कन्वर्ज ऑन द एक्सीडेंट सीन, उस घटना स्थल पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर एकत्रित हो गए, एक जगह पर आकर मिल गए, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड वर्ड। थर्ड वर्ड पर हम चलते हैं, रेपेशियस। रेपेशियस की हिंदी होती है लोभी या लालची। मीनिंग आपके सामने दी गई हुई है एग्रेसिवली ग्रीडी, बहुत ही सॉरी स्लाइड इधर हो गई, एग्रेसिवली ग्रीडी और ग्रेस्पिंग, बहुत ही अधिक लोलूप हो, लालची जो हो वो रेपेशियस कहलाएगा, ठीक है। सिनोनिम्स आपके सामने एवेरेशियस, नो वाइस लाइक एवेराइस, आपने सुना होगा कि लालच बुरी बला है, इसके लिए यूज किया जाता है नो वाइस लाइक एवेराइस, तो एवेराइस मतलब लालची, लालच होती है, ठीक है। और एवेरेशियस मतलब कि लालची। एक्विजिटिव जो लोभी हो, प्राप्त करने के बारे में सोचता हूँ हमेशा, उसको ये हो कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। कोवेटस लोलूप हो, जो इनसेशिएबल असंतृप्त हो, जो संतुष्ट हो ही ना सके, उसे इनसेशिएबल कहेंगे, ठीक है। एंटोनिम्स देख रहे हैं अपने सामने, जेनरस लिखा हुआ मतलब जो उदार हो, बाउंटियस के अंदर उदारता भरी हो, और लार्ज हर्टेड जिसका जो हृदय बहुत ही विशाल हो, बड़े दिल वाला हो, ठीक है। यूजेस आपके सामने नजर आ जाएंगे आपको, इंस्टीट्यूशंस दैट शुड बी केटरिंग टू द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट्स, मतलब ऐसे संस्थान दैट शुड बी केटरिंग टू द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, जो कृषकों को, जो कृषकों की जरूरतों को जिनको पूरा करना था, उनको सफल बनाना था, हैव फेल्ड टू डू सो, वो ऐसा करने में क्या हो गया, असफल हो गए, मतलब वो उनकी जरूरतों को पूरे नहीं कर पा रहे, एंड और हैव नाउ टर्न्ड रेपेशियस, और अब क्या हो चुके हैं, वो लालची हो चुके हैं, लोलुप हो चुके हैं, इन चीज़ों मतलब उनके अंदर अब लालच आ गया, वो सेवा भाव से नहीं वो काम करते, अपने व्यक्तिगत लाभ को देखकर काम करते हैं, ठीक है। ये हो गया रेपेशियस। अगला वर्ड आपके सामने अफस्केट, BF साथ में लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज मत होगा प्रोनाउंसिएशन को लेकर के। अफस्केट, B भी हल्का सा है और F भी आएगा, ठीक है।
ऑफस्केट मतलब क्या होता है, मेक ऑब्स्क्योर, जिसको अस्पष्ट कर देना, अनक्लियर, जो समझ में ना आया इस तरीके का देना, और अनइंटेलिजिबल, समझ से परे हो जाना, ढकना या अंधेरे में कर देना। मडल बिगाड़ देना, ढक देना। बेविल्डर किसी जिसका मतलब रूप मतलब अस्त व्यस्त कर देना, अव्यवस्था फैला देना। बैफल मतलब ही अव्यवस्थित कर देना, और परप्लेक्स बिगाड़ देना किसी को, परेशान मतलब कोई चीज़ व्यवस्थित है स्थिर अपनी जगह उसको मतलब उधेड़ घुन उसमें मचा देना। एनलाइटन आपके सामने दिया हुआ है, मतलब एक तो किसी को ढक दिया आपने, अंधेरे में कर दिया, फिर बिगाड़ दिया। एनलाइटन मतलब उसको प्रकाशित कर दिया, उज्ज्वल कर दिया, इल्यूमिनेट प्रकाशमय कर दिया, एक्सप्लिकेट सबके सामने मतलब प्रदर्शित कर दिया। द न्यू रूल इज मोर लाइकली टू ऑफस्केट पीपल देन एनलाइटेड देम, एनलाइटन देम। जो नया नियम आया है इज मोर लाइकली टू ऑफस्केट पीपल, वो ज़्यादातर क्या है लोगों को और दबाने वाला है देन एनलाइटन देम, अपेक्षा किसके कि उन्हें उठाया जा सके, प्रकाशित किया जा सके, इसके अपेक्षा वो नया रूल क्या कर रहा है उससे लोगों का दमन हो रहा है, तो दब रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने मीरिएट। मीरिएट मतलब होता है असंख्य, अनगिनत, बेशुमार, अकाउंटलेस और एक्सट्रीमली ग्रेट नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, बहुत ही अधिक संख्या में चीजें हों, लोग हों, उसे हम क्या कहेंगे, मीरिएट कहेंगे। मल्टीट्यूड जो संख्या में काफी अधिक हों, क्वांटिटीज गिनती में काफी अधिक हो, मास बहुत बड़ा झुंड हो, क्राउड लोगों का समूह हो जाए, थ्रंग पूरी तरीके से भरा हुआ लोगों का समूह हो। ठीक है, और एंटोनिम्स जो है बाउंडेड, एक सीमित हो, परिसीमित किया गया, कैलकुलेबल गिना जा सके जिन्हें इतने लोग, काउंटेबल जो गिनती पर हो, लिमिटेड वो सीमा के अंतर्गत हो। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, ये हम समझ सकते हैं दैट कि देर आर अ मीरियड ऑफ पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर असंख्य संभावनाएं हैं, अनगिनत संभावनाएं हमारे सामने। ठीक है, समझ में आ रहा, थोड़ा सा फास्ट में हूँ लेकिन फिर भी ध्यान से सुनते रहिए, समझ में आएगा। वीडियो पॉज कर करके मैं एक वर्ड खत्म कर लेता, वहीं वीडियो पॉज करिए, तुरंत फिर पूरे वर्ड को पढ़िए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने स्टिंट, नाउन है एक। ठीक है, अ पर्सन फिक्स्ड और अलॉटेड पीरियड ऑफ वर्क, किसी भी व्यक्ति का एक निश्चित और उसके लिए ही निकाला, अलॉट किया गया जो समय होता है, उसकी कार्यावधि होती है, उसे क्या कहते हैं, स्टिंट। स्टिंट की हिंदी क्या है, कार्यावधि। स्पेल आपने सुना होगा, इस बॉलर का स्पेल खत्म हो गया, मतलब उतनी देर तक उसी ने केवल बॉलिंग की। ठीक है, स्ट्रेच उसका विस्तार इतना है, पीरियड इतनी अवधि दी गई, उसका समय इतना है, टाइम दिया है, टर्न उसका है, ये उसका रन चल रहा है, सेशन उसी का चल रहा है, टर्म ये उसका टर्म चल रहा है, तो सबके मीन्स आप हिंदी निकाल सकते हैं, कार्यावधि उसका अपना सेशन, ऐसा समय जिसमें वो काम करेगा उसके लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, एंटरटेनमेंट, एक तो आपके लिए समय निर्धारित कर दिया गया काम करने के लिए, एंटरटेनमेंट क्या देगा, एंटरटेनमेंट आप एकदम मतलब मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन का समय आपके हो गया, तो एंटरटेनमेंट के सेंस में दिया गया। फेलियर एक ऐसा मतलब कि जो किसी चीज़ें उसमें निश्चित कोई समय वगैरह नहीं है, फेलियर एक तरीके का है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, कोई निर्धारित नहीं है समय वगैरह कुछ भी। फन मजाक मस्ती का टाइम जो पास्ट टाइम जो समय व्यर्थ में व्यतीत करने के लिए हो। ठीक है, द सी एम हैड सेड अ 7-year stint should be made compulsory for medical graduates from government colleges in the states. द सी एम हैड सेड, जो सी एम थे उन्होंने कहा था क्या, अ 7-year stint should be made compulsory, कि जो 7 सालों का कार्यावधि है, प्रैक्टिस का टाइम है, उससे कंपल्सरी मतलब कि अनिवार्य कर दिया जाए, कर देना चाहिए फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स, उन मेडिकल ग्रेजुएट्स को, स्नातकोत्रों को, सॉरी उन मेडिकल स्नातकों को जो फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज इन द स्टेट, जो राज्य के सरकारी कॉलेज वगैरह से इन्होंने मेडिकल ग्रेजुएट जो हुए हैं उन लोगों के लिए 7 सालों की कार्यावधि निर्धारित करके रख दी जाए उनके कार्य के लिए। ठीक है, ये ऐसा किसने कहा, सीएम ने कहा। तो स्टैंड मतलब आप लोग जान गए, कार्यावधि कार्य करने का एक जो फिक्स टाइम होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्वर्की। क्वर्की एक एडजेक्टिव है, मीनिंग आप लोग देख रहे हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय पेकुलर एस्पेक्ट्स अनयूजुअल इन एन अट्रैक्टिव वे, मतलब कोई चीज़ जो हो विचित्र हो, बहुत ही अजीब हो, अलग तरीके की, लेकिन कैसी हो, अट्रैक्टिव वे में हो, मतलब आकर्षक लगे, खराब ना लगे, इस तरीके की विचित्र हो। ठीक है, सिनोनिम्स आपके सामने हैं, बिजार है, थोड़ा कुछ अलग हो, अजीब हो, इडियोसिंक्रेटिक, थोड़ा सा मतलब एक होता है ना एक संकी इंसान जो नॉर्मल से अलग होता है, तो उसी सेंस में इडियोसिंक्रेटिक है, मतलब कुछ अलग दिखाई दे, ऑड औरों से अलग, असंगत हो, ऑफ द वर्ल्ड और चीज़ों से अलग हो। ठीक है, पेक्यूलियर अजीब हो, स्ट्रेंज विचित्र हो, अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, रूढ़ीवादी, जो एक परंपरा चली आ रही है उस आधार पर चले उसे कन्वेंशनल कहेंगे, और अनकन्वेंशनल मतलब कि जो उन परंपराओं पर उन सिद्धांतों पर ना चले और अपनी अलग तरीके से चीजों को लेकर चले वो अनकन्वेंशनल कहलाएगा। एंटोनिम्स आपके हैं कॉमन जो साधारण हो, फैमिलियर आपके आपसे आप उससे परिचित हो, नॉर्मल हो एकदम साधारण सा हो, रेगुलर जो नॉर्मली वे में वर्क करे, स्टैंडर्ड जैसा जो माना गया वैसा ही है। ठीक है, मेनी पीपल डिड नॉट लाइक हिज क्वर्की बिहेवियर, बहुत से लोग उसके इस अजीब व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं।
क्योंकि आपका सातवां वर्ड अंतिम वर्ड की तरफ हम चलते हैं आज के सेशन के हमारे प्रोस्क्रिप्शन। आपको याद होगा मैंने आपको सातवें सेशन में आपके बताया था ये वर्ड को प्रोस्क्राइब एक वर्ड बताया था जो नियम कानून द्वारा का जो उल्लंघन कर रहे अवैध करार दिया जाएगा अवैध करार दिया जाए जिसे नियम कानून द्वारा उसे प्रोस्क्राइब कहते हैं उसी से मिलकर बनाया प्रोस्क्रिप्शन मतलब जो प्रतिबंधित हो निषेध जिसका द एक्शन ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग सॉरी इसे बना लीजिएगा आप लोग समथिंग है यहाँ पे ठीक है द एक्शन ऑफ फॉरबिडिंग समथिंग जिस पर रोक जब लगा जाए तो उसको क्या हो जाएगी आपकी प्रोस्क्रिप्शन कहेगा प्रतिबंध कहेगा बैन आप लोग जानते हैं एम्बार्गो प्रतिबंध इंट्रोडिक्शन और प्रोहिबिशन दोनों मतलब प्रतिबंध होते हैं। एंटोनिम्स आपके हैं अलाउंस किसी चीज़ की स्वीकृति दे देना परमिशन करने के लिए परमिशन दे देना अप्रूवल सहमति दे देना सैंक्शन मतलब कि उसका अनुमोदन कर देना मंजूरी दे देना उस चीज़ को ठीक है। दे इशूड अ प्रोस्क्रिप्शन उन्होंने क्या एक प्रतिबंध निर्गमित किया इशू किया जारी किया अगेंस्ट स्मोकिंग एट अ पब्लिक प्लेस सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग के खिलाफ मतलब सार्वजनिक स्थलों पर स्मोकिंग करना अमान्य है इसलिए उन्होंने मतलब स्मोकिंग करना उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। आठ वर्ड्स खत्म हो गए हमारे हम चलते हैं अपने चार वन वर्ड्स और तीन इडियम्स फ्रेजेस के पास ठीक है। ब्लिम दिखावा करने वाला क्रांतिकारी व्यक्ति लाइन आपके सामने कैसी आएगी अब पॉम्पस मतलब दिखावटी रिएक्शनरी टाइप ऑफ पर्सन दिखावटी लेकिन क्रांतिकारी किस्म का व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करे मतलब उसके अंदर दिखावा भरा हो क्रांति जैसे अगर मान लीजिए अपने आपको दिखा रहा है कि हाँ मैं क्रांतिकारी हूँ तो उसमें भी एक दिखावा ही है वो ठीक है। तो ब्लिम उसको ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे आपके सामने लिखा हुआ है ब्लिम डोंट यूजेस यहाँ पे डोंट बिलीव हिम ही इज अ ब्लिम उसके ऊपर विश्वास ना करिए वो एक तरीके का ब्लिम है वो ब्लिम किस्म का व्यक्ति मतलब कि दिखावटी इंसान है भले से वो क्रांतिकारी आपको नजर में आ रहे हैं उसमें अंदर कोई भी क्रांति करने जैसा कोई गुण नहीं है बल्कि वो दिखावटी व्यक्ति है ठीक है पॉम्पस किस्म का है। जीनियोलॉजी जीनियोलॉजी मतलब वंशावली हमारी एक वंशावली हमारे पूर्वज थे फिर हमारे पिताजी हैं फिर हम हैं ऐसे आगे बढ़ते जाएगा तो इस जो ये रेखा चल रही है सिस्टम जो चल रहा है इसे हम जीनियोलॉजी कहते हैं। अ लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम एन एंसेस्टर हमारे पूर्वज जो चीज़ चली आ रही है अब तक उसे हम क्या कहेंगे जीनियोलॉजी वंशावली। ही सैट डाउन नीचे बैठा था एंड रिपीटेड हिज फैमिलीज जीनियोलॉजी टू हर और जो भी लड़की उसके सामने थे उसके सामने अपने अपने पारिवारिक वंशावली को बार बार दोहरा रहा था 20 मिनट्स ऑफ नॉन स्टॉप नेम्स और उस जीनियोलॉजी में था क्या कि वो 20 मिनट तक बिना रुके उसने अपने पूर्वजों के नाम वो लेता रहा ठीक है। मतलब उसने जब अपनी वंशावली उस लड़की के सामने बताई उसे बताना शुरू किया तो 20 मिनट तक नॉन स्टॉप वो अपने पूर्वजों का और अपने फैमिली मेम्बर्स का सबका नाम वो लेता रहा ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने इनफ्लोरेसेंस ध्यान दीजिएगा इनफ्लोरेसेंस एक डाली पर फूलों का गुच्छा है पुष्प पर हिंदी लिखी हुई यहाँ पे मतलब कहीं भी फूल वगैरह हो एक झुंड मतलब गुच्छे में ढेर सारे हों तो उन्हें क्या कहेंगे हम इनफ्लोरेसेंस अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स क्लस्टर मतलब गुच्छा होता है क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ ब्रांच किसी एक डाली पर फूलों का गुच्छा जो होगा वो क्या कहलाएगा इनफ्लोरेसेंस। फ्लावर्स आर जनरली बोर्न इन इनफ्लोरेसेंसेस जो फूल वगैरह होते हैं जनरली कैसे उगते हैं बोर्न मतलब यहाँ पे ये उगने के समय बढ़ने के समय फ्लावर्स आर जनरली बोर्न इन इनफ्लोरेसेंसेस वो गुच्छे वगैरह में उगते हैं ठीक। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है एनफिलेट एनफिलेट मतलब गोलियों वगैरह की बौछार सीधी रेखा में की गई बौछार को एनफिलेट कहते हैं। अ वॉले ऑफ गन फायर मतलब गोलियों का अ वॉले ऑफ गन फायर गोलियों के समूह क्या कहते हैं वॉले कहते हैं। तो वी कुड सी क्रॉस आड़ी तिरछी एंड एनफिलेट और सीधी रेखा में जो गोलियों की बौछार थी एनफिलेट फायर इन एवरी डायरेक्शन हर दिशा में हम देख सकते थे क्या देख सक रहे थे एनफिलेट एंड क्रॉस एंड एनफिलेट फायर मतलब आड़ी तिरछी और सीधी रेखा में की गई गोलियों की बौछार ठीक है तो वो इनफ्लेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने टू बर्ड द लॉयन इन हिज ओन डेन मतलब किसी को उसके घर में घुस करके चुनौती जब आप देंगे तो इस एडियम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं टू बर्ड द लॉयन इन हिज ओन डेन टू डिफाई चुनौती देना समबडी इन हिज होम ग्राउंड उसके अपने मैदान में उसको चुनौती देते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा टू बियर्ड द लॉयन इन हिज ओन डेन ठीक है। इफ यू डोंट फेस डेंजर अगर आप खतरों से खतरा मोल नहीं लेते हैं उनका सामना नहीं करते हैं एंड बियर्ड द लॉयन इज डेन और किसी को उसके घर में चुनौती नहीं देते हैं यू विल नेवर अचीव द सक्सेस यू ट्रूली डिजायर तो जिस सफलता की आप चाह कर रहे हैं सच्चे रूप से आप चाह रहे हैं वो सफलता आपको प्राप्त हो वो सफलता आपको नहीं मिल पाएगी जब तक आप पूरे बहादुरी भरे मन से सामने उतर कर नहीं आएंगे ठीक है। तो ये हो गया आपका 13वां 14वां जो आपके सामने स्केपगोट मतलब होता है बलि का बकरा ठीक है। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स सॉरी इस एडियम में नहीं आएगा इसे हम अपने वनवर्स ऑफ सेशन के सेक्शन में रख सकते हैं लेकिन बट अब आ गया तो आप लोग पढ़ लीजिए। अ पर्सन ऐसा व्यक्ति हु इज ब्लेम जिसको आरोपित किया जाए जो आरोपित हो फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स दूसरों की गई गलतियों की मतलब कोई दूसरा गलती कर दिया बट उसने किसी तीसरे पर्सन को फंसा दिया
तो वो थर्ड पर्सन आपके लिए स्केपगोट कहलाएगा, उसे बलि का बकरा कह सकते हैं, ठीक है। तो द सीईओ बॉस, मतलब जो उस कंपनी का मालिक सीईओ था, मेड द स्केपगोट, उसे बलि का बकरा बना दिया गया, किस चीज के लिए, फॉर द कंपनीज फेलियर, उस कंपनी का जो असफलता थी, उसके जो परिणाम आए असफल रूप से आए, उस चीज के लिए उसके सीईओ को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो एक तरीके से वो बलि का बकरा बन गया वहां पे, ठीक है। अंतिम वर्ड की तरफ हम लोग चलते हैं, गेट डक्स इन अ रो, मतलब सुव्यवस्थित होना या सुव्यवस्थित इशू करना, गेटिंग अप थिंग्स वेल ऑर्गेनाइज्ड, चीजों को उचित ढंग में रखना। मैं एक idiom याद कर रहा था, इसलिए रुक गया एक सेकंड के लिए। एप्पल पाई ऑर्डर, एकदम निश्चित क्रम में रखना, ठीक है। टू इंश्योर अ सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च को सुनिश्चित करने के लिए वी मस्ट गेट आवर डक्स इन अ रो, हमें अपने सारे काम क्या करने पड़ेंगे, व्यवस्थित क्रम में करने पड़ेंगे, ठीक। तो 15 वर्ड्स इस सेशन के भी खत्म हो गए। आप देख रहे होंगे आपको वीडियोस अब ठीक से मिलने लगी, कोशिश मेरी यही रही कि आगे मैं आपको ऐसे वीडियोस देता रहूँ। वीडियोस से क्या मतलब, आपको कंटेंट से मतलब है, ये भी बताया जाएगा। मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ कि आपको जो वर्ड सिलेक्ट करके दिए जाते हैं वो सही हैं कि नहीं, उनमें क्या कमियाँ कहीं रह जा रही, अगर कुछ गलत हमने बता दिया, सही क्या है, सारी चीज़ जो कुछ जो कमेंट सेशन में आप लोग बताइए, हमको PDF डाउनलोड कर लीजिए हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और ऐसे हमसे जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि कंटेंट काफ़ी अच्छा दिया जा रहा है आप लोगों को। ये चली रहा है एडिटर की सीरीज, चली रही है रीजनिंग क्लास आपकी चली रही है, कोशिश रहेगी और भी जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ता जाए और भी हमारा विस्तार होता जाए, ठीक है। तो बाकी और मैं वही कहूँगा लास्ट में कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।